व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल टेक भाट एंड आई होप यू गाइज डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ पोको की एक्स सीरीज के बारे में। जैसे कि हमें पता है पोको की एक्स सीरीज में हमने X4 देखा था जो अप्रैल 22 में लॉन्च हुआ था लास्ट टाइम। तो अब जल्दी पोको अपनी X5 सीरीज लाने वाला है और जो पोको है वो रिब्रांडेड है रेडमी की ही कंपनी है, मतलब शाओमी की कंपनी है, उसी के अंदर पोको भी बनते हैं रेडमी के नोट सीरीज, मतलब सब कुछ शाओमी संभाल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्ते स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलते हैं एक बढ़िया से पैकेज के अंदर। तो आइए चलिए आज के वीडियो में मैं आपको पोको X5 प्रो के बारे में बताऊंगा और ये इंडिया के अंदर जल्दी जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के मंथ में 100% हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर भी लिस्ट हुए हैं पोको की सीरीज के स्मार्टफोन, प्लस फ्लिपकार्ट के ऊपर भी टीजर और लैंडिंग पेज होना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जब भी सेल आएगी तो फ्लिपकार्ट के थ्रू पोको अपने स्मार्टफोन सेल करेगा। तो पोको X5 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, वो रिब्रांडेड रहने वाला है जो कि अभी हाल ही में Redmi Note 12 रिलीज हुआ था इंडिया के अंदर। और जो पोको की प्रो सीरीज रहने वाली है यानी पोको X5 Pro 5G रहने वाला है, वो रिब्रांडेड रहने वाला है Redmi Note 12 Pro स्पीड एडिशन का। आई थिंक ये चाइना में रिलीज नहीं हुआ था, सिर्फ प्रो ही हुआ था। तो आइए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है पोको X5 Pro और इसी के बारे में आज की वीडियो में आपको मैं सब कुछ बातें बताने स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को तो प्लीज़ कर देना यार, मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और मोटिवेशन भी सारी वहीं से आती है जब आप सब्सक्राइब करते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं फ़ोन के बिल्ड एंड लुक्स के बारे में बताऊँ। तो काफ़ी सिंपल सा स्मार्टफोन रहने वाला है जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा था पोको की तरफ से, और पोको की मेन थीम जो येलो कलर रहता है कुछ उसी टाइप में फ़ोन रहने वाला है। और जो कैमरा है वो स्क्वायर के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है, लाइक ट्राइंगल हम कुछ कह सकते हैं, रेक्टेंगल कुछ काइंड में, और उसी के साथ में पोको की बैजिंग देखने को मिल जाएगी काफ़ी बड़ी सी, जैसे कि लीक्स के थ्रू हमें फोटोज आई हैं। और जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ एकदम 100% उसी कुछ टाइप का फ़ोन रहने वाला है, आप देख भी पा रहे होंगे। अपने बैक पैनल पूरा प्लास्टिक का रहने वाला है और फ्रंट में होल पंच नोच देखने को मिलेगी फोन के अंदर। और इसी के साथ अगर मैं अब स्पेसिफिकेशन बतानी स्टार्ट करूँ तो काफ़ी सिमिलर सी स्पेसिफिकेशन है जो हमने Redmi Note 12 Pro स्पीड एडिशन के अंदर देखी थी। अब बोल दो एक बार आप ये भी सोचोगे तो जब सिमिलर स्पेसिफिकेशन है तो मैं पोको का स्मार्टफोन क्यों बाय करूँ, Redmi का ही क्यों ना कर लूँ? क्योंकि अगर आप Redmi का स्मार्टफोन बाय करोगे तो वो 2-3 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा और वही सारी चीज़ें आपको पोको के स्मार्टफोन में मिल जाएगी। और ऑल्दो स्पीड एडिशन इंडिया के अंदर अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ है। तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर हमें 120Hz की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फुल HD+ रेजोल्यूशन रहने वाला। और जो सबसे मेन फीचर इस डिस्प्ले का रहने वाला है ना, वो 120Hz का रिफ्रेश रेट रहने वाला है इस डिस्प्ले के अंदर। 6.6 इंच का डिस्प्ले का साइज रहने वाला है और पंच होल जैसे कि मैंने आपको बताया था पंच होल डिस्प्ले सेंटर वाली है और बेजल्स भी काफ़ी कम फ़ोन के अंदर लग रहे हैं। तो डिस्प्ले के मामले में फ़ोन एक नंबर लग रहा है। अब मैं वहीं अगर आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा जो कि हम मिड रेंज प्रोसेसर कह सकते हैं। और जब प्रोसेसर की बात आती है ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है और लीक्स के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि प्राइस पॉइंट क्या रहने वाला है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में अनवील करूंगा। वैसे आप भी ईजिली गैस कर सकते हो कि इस फ़ोन का प्राइस पॉइंट क्या रहेगा, लेकिन अभी मैं आपको बता भी दूंगा। और GPU बताऊं तो इंटीग्रेटेड 642L GPU रहने वाला है जो कि प्रोसेसर के साथ ही आएगा। ऑल दो बैटरी बैकअप इस फोन की 5000 mAh रहेगी और 67W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट हमें फोन के अंदर देखने को मिलेगा। अब जो मेन पॉइंट हो जाता है ना वो इसका प्राइमरी कैमरा हो जाता है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप तो देखने को मिलेगा और जो प्राइमरी शूटर है वो 108MP का रहने वाला है। कितना बड़ा सा नंबर है ना, अभी दो और सुन लो वो कितने बेकार से। एक तो 8MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा सेकेंडरी लेंस और 2MP का हमें मैक्रो लेंस वहीं देखने को मिलेगा। और हमें फ्रंट के बारे में बताऊँ तो 16MP के हमें शूटर देखने को मिलेगा वीडियो और सेल्फी के लिए, वीडियो कॉल उन सब के लिए। और दो मेन स्पेसिफिकेशन तो कुछ फ़ोन की यही थी, अब मैं साइड स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो स्टीरियो स्पीकर भी हमें फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी और हेडफोन जैक ऑल दो फोन में नहीं मिलेगा और फ़ोन 5G के ऊपर रन करेगा। तो इस फ़ोन की अब मैं प्राइस पॉइंट बताऊँ तो 25,000 से 27,000 इंडियन मार्केट में रहने वाली है और जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग के वीक्स में हमें ये फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने को आराम से देखने को मिल जाएगा। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और फ़ोन के बारे में आपको और कुछ जानना हो तो वो भी आप बता सकते हो। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर